वॉइस पे भी है सर। अच्छा वॉइस का यहां ये है 75 लीटर का बैग है ये। तो गाइस ये देखो ग्लो स्टिक जो एक्टिवेट हो चुकी है, ये देखिए। तो गाइस काफी मतलब फर्क है 5000 की टॉर्च के अंदर। वेट दिखाया था जो चिराग भैया ने बताया था, तो हमारे पास ये कौन सा वर्जन है जो मेरे हाथ में, ये AK-47 का वर्जन। तो गाइस देख लो AK-47 है तुम्हारे भाई के हाथ। बैक टू द चैनल गाइज, वेलकम बैक टू अंदर वीडियो। कैसे आप सब, आई होप आप लोग एकदम फिट हेल्दी और एकदम मस्त होंगे। सो गाइज आप लोगों का ही प्यार है कि मैं फिर से आ चुका हूँ स्टैंडर्ड आर्मी स्टोर शॉप पे, जो कि आपकी पड़ती है दिल्ली कैंट एरिया गोपीनाथ बाजार में। और मेरे साथ है शॉप के डॉन, शॉप के ओनर चिराग भैया। चिराग भैया आपका स्वागत है वापस है चैनल पे। और चिराग भैया इस बार आप क्या तड़कते धड़कते प्रोडक्ट्स लेके आए हो, ट्रैकिंग के, कैंपिंग के, एडवेंचर के, बाइकिंग के, सब कुछ? बहुत कुछ सामान लाए हम, टॉर्चेज आई हैं बहुत डिफरेंट टाइप्स की। अच्छा, काफी विसल्स है, वॉचेज हैं, अच्छा, हीटिंग ब्लैंकेट्स हैं, टेंट्स हैं, अलग अलग वैरायटीज के बहुत सारे। सो गाइस जो पिछली वीडियो हमने शॉट की थी चिराग भैया के साथ, और अब जो हम वीडियो शॉट कर रहे हैं आप लोगों के लिए, काफ़ी जो भैया ने काफ़ी प्रोडक्ट्स जो है भर दिए हैं, ताकि देखो मकसद उनका एक ही है कि जो भी कस्टमर आए वो इसी शॉप से सब कुछ लेके जाए। चिराग भैया ठीक है, चिराग भैया की स्पेशलिटी यही है कि ऐसा नहीं है कि आप स्लीपिंग बैग कहीं और से ले रहे हो, या क्लोथिंग की जैकेट कहीं और से ले रहे हो, कोई फलारा ढमकान एक्सेसरीज है वो कहीं और से ले रहे हो। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आपको वो जो है सारी प्रोडक्ट्स, जितनी भी एक्सेसरीज हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, वो आपको लेके भेजेंगे। और आप जब इस शॉप पे आओगे तो चिराग भैया ने भैया नक्शा चेंज करते हो शॉप का पूरा, जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हो। आपको थोड़ा लुक एंड फील देने के लिए प्रैक्टिकली कैसे टेंट्स वगैरह पिच होते हैं, कैसे लगते हैं अंदर सामान, कैसे लगता है, तो उन्होंने यहाँ पे सब कुछ रेडी भी करके रखा हुआ है। अगर आप आओगे तो आप इस चीज़ का एक्सपीरियंस भी लेके देख सकते हो बकायदा कि आप टू मैन टेंट है वैसे। अच्छा टू मैन टेंट है, तो कैसे आएगा, कैसे यहाँ पे चीज़ें लगेंगी, जो भी टैक्टिकल एक्सेसरीज वगैरह है, तो एक डमी पीस भैया ने रेडी करके रखा हुआ है कि टैक्टिकल एक्सेसरीज जब हम पहनते हैं तो कहाँ पे कैसे क्या चीज़ें लगती हैं, तो यहाँ पे सब कुछ आपको मिलने वाला है। क्यों चिराग भैया? बिल्कुल, तो कोई कस्टमर यहाँ पे आएगा तो डिसअपॉइंट तो नहीं होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, उसको एक छत के नीचे सारा सामान अवेलेबल है। चिराग भैया सबसे पहले आप मेरे को बताओ कि जो मेरी ऑडियंस थी, व्यूअर्स थे, जिनको भी यहाँ पे आने में दिक्कत हो रही थी, काफ़ी भाइयों का क्वेरी रहा था कि यहाँ पे आने के वो कंफ्यूज जाते हैं कि शॉप एक्चुअली थी कहाँ पे, तो आप एक बार सबको बता दो कि शॉप एक्चुअली है कहाँ। ये मेन रोड है, शास्त्री बाजार, गोपीनाथ बाजार, दो नाम है मार्केट के, शास्त्री बाजार और गोपीनाथ बाजार। शास्त्री बाजार पहले कहते थे इस बाजार को, आज सब गोपीनाथ के नाम से जानते हैं। गोपीनाथ के नाम से जानते हैं, गोपीनाथ बाजार यहाँ का जो है लोकेलिटी मेन रोड पे है, मेन रोड है। और जस्ट पीछे आप मेरे शॉप देखो, स्टैंड आर्मी स्टोर के नाम से शॉप है, बहुत बड़ी शॉप है एकदम इसके एंट्रेंस में। ये बैग है पिछली बार हमारे पास एक कलर में था। हाँ बिल्कुल, और इस बार हमारे पास तीन कलर में है, तीन कलर अवेलेबल है। तो गाइस जो पहले स्टिचिंग क्वालिटी थी, जो फैब्रिक क्वालिटी थी, उससे हमने इसको इंक्रीज किया है। सो पहले अगर 20 थी तो अब ये 21 है। अच्छा 21 हो गई। हाँ जी। तो गाइस जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी दिखाया था, तो कलर्स भैया ने जो बढ़ा दिए हैं, और काफी, चिराग भैया मेरे को बता रहे थे काफी डिमांड आई है बैग्स की, भैया के पास स्टॉक आउट हो गया था बैग्स का, तो इतनी डिमांड आई थी, आप लोगों ने इतना प्यार दिया था बैग को। और जो जैसे हमने पिछली बार आपको दिखाया भी था, ये बैग है तो आप देख सकते हो इसका बैग का कलर है। अब इसमें हमने पिछली बार आपको ये कलर दिखाया था, अब ये ब्लैक कलर देखो और ये मस्टर्ड सा कलर देखो। तो इस चिराग भी इस बैग को वैसे बोलेंगे क्या, ऑल पर्पज़ बैग है ये। अच्छा, ये ट्रैवलिंग में एक छोटा या बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है। अच्छा, लीटर का होता है ये अराउंड 25 लीटर का बैग होता है। 25 लीटर का बैग होता है। और क्या प्राइस पड़ जाएगा इसका? 1800 होगा इसका आस्किंग प्राइस है। अच्छा, और कुछ ना कुछ आपके नाम से गुंजाइश कर दें। अच्छा, तो गाइस आप यहाँ पे जब आओगे तो प्राइस की टेंशन मत लेना, क्वालिटी की टेंशन मत लेना, क्वालिटी में तो भैया A1 है ये शॉप। चिराग भैया कितना पुरानी शॉप होगी आपकी ये? मेरी 62 इयर्स पुरानी। 62, तो गाइस देख लो 60 साल पुरानी शॉप है, तो शॉप की नींव में काफ़ी दम है क्वालिटी के अंदर। बैग आपके सामने है, आपको अगर वीडियो में नहीं समझ में आता तो भैया यहाँ पे आओ, फ्री है। चिराग भैया सबका आना यहाँ पे या उसके भी पैसे लगे? नहीं बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है। आप यहाँ पे आओ, बैग्स देखो, और जरूरी नहीं है कि आपको ये लेना है। पीछे आप मेरे पीछे देख सकते हो डिस्प्ले के अंदर हर हमारे पास सारे लीटर्स अवेलेबल। अच्छा, सारे लीटर के, सारे लीटर्स अवेलेबल, सेम फैब्रिक में अवेलेबल है। और हमारे पास 70-75 लीटर्स तक जाते हैं, उससे ऊपर का तो फिर एक बंदे का कैरी करने के लिए अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो गाइज अगर मैं आपको बताऊं, ये बैग में और जो बाकी मार्केट्स में भी बैग मिलते हैं, तो फर्क बहुत ज्यादा है। अब आप इसको खींच के देख लो, इसके अंदर जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, जिपर्स वगैरह होते हैं, वो क्या है, टूट जाते हैं जनरली। पर आप ये देखो, आ रहा होगा समझ आपको, अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप यहाँ पे आ जाना, खुद देख लेना, ठीक है। आप फाड़ के देख लो, इसको पटक के देख लो, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो जो चीज़ आपको दी जा रही है और जो प्राइस आपको बोला जा रहा है, उस प्राइस के लिए इसमें एक एक रुपये जो बोलता है 50-50 पैसे, वो भी वसूल है, ठीक है।
तो कोई भी अगर क्वेरी है, डाउट है, कमेंट में कमेंट कर लेना, वरना आपके लिए शॉप हमेशा फ्री खुली है। चिराग भैया एक बार टाइमिंग बता दो और डेज बता दो शॉप के। हमारे 7 days ओपन है शॉप। अच्छा, 7 days ओपन। हमारी टाइमिंग है सुबह 12 PM टू 8:30 PM संडे को भी आप यहाँ पे आ सकते हो। मंडे से लेकर संडे पूरी शॉप आपके लिए खुली है। तो भी वॉकिन आओ, चिराग भैया आपको मिलेंगे, नहीं तो यहाँ पे काफी लोग हैं तो आपको सामान सब कुछ दिखा देंगे। तो चिराग भैया प्राइस जो है वो ऊपर नीचे होता रहता है? बिल्कुल, वो सीजन के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है प्राइस, और क्वांटिटी के हिसाब से ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहता है। तो गाइस कभी अगर आपके दिमाग में डाउट होता है कि भैया 100-200 रुपए अगर आपको कोई चीज ऊपर मिल रही है, तो गाइस देखो एक चीज चिराग भैया मैं बताना चाहूंगा कि देखो क्वालिटी, जब आपको आप क्वालिटी सामान लेने जाते हो, क्वालिटी प्रोडक्ट्स लेने जाते हो मार्केट में, तो आपको उन सब चीज़ों का प्राइस ऊपर ही मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप एक एडिडास का जूता लेने जा रहे हो तो आपको 1400-1500-2000 तक का मिल जाएगा, पर वहीं अगर आप A6 में जाओगे, स्केचर्स में जाओगे, तो आपकी स्टार्टिंग रेंज क्या होगी? 4000-5000। क्यों होगी? क्योंकि वहाँ पे आपको मिल रही है क्वालिटी, कम्फर्ट मिल रहा है, ठीक है, गारंटी मिल रही है, ब्रांड की वैल्यू मिल रही है। ऐसी स्टैंडर्ड आर्मी स्टोर एक अपने आप में ब्रांड है, अपने आप में वैल्यू है। आप यहाँ के शॉप के प्रोडक्ट्स को किसी लोकल मार्केट के शॉप के प्रोडक्ट से तो कंपेयर नहीं कर सकते, और करके भी देखो आपको फर्क बहुत पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि वहाँ का प्रोडक्ट यहाँ का प्रोडक्ट सेम है, तो भैया देखो यहाँ पे हम आपको क्वालिटी दे रहे हैं और हर प्रोडक्ट की गारंटी दे रहे हैं, इसलिए आपको इन सब चीजों को तोड़ के फाड़ के खींच खाच के सब दिखा रहे हैं। तो आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ये लेडीज पे भी अच्छा लगता है, गर्ल्स पे भी अच्छा लगता है, कॉलेज गर्ल्स होती हैं, कुछ होती हैं, उनकी भी इंक्वायरीज होती है हमारे पे सूट करता है नहीं करता है। ये अच्छा सूट करता है सब पे, ये बॉयज पे भी है। अच्छा, बॉयज का ये है 75 लीटर्स का बैग है ये। अच्छा, 75 सेम फैब्रिक, सेम सब कुछ, सेम स्ट्रेचिंग, ये बड़े साइज में। अच्छा, बड़े साइज में। सो गाइस देखो चिराग भैया आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी अगर आपके मन में डाउट वगैरह है तो नहीं रहने वाला। गर्ल्स फीमेल्स के लिए बैग कैसा लगता है तो भैया ने आपको बता दिया, ऐसा लगता है। मैम के ऊपर देखो कितना अच्छा लग रहा है, प्यारा लग रहा है। कलर की बात की जाए बहुत प्रीमियम कलर है, तीनों मिल जाएंगे। भैया के ऊपर ये बैग देखो कितना रफ एंड टफ है, इतना सॉलिड बैग लग रहा है। और प्राइस वगैरह आपको जो भैया ने बताया वीडियो में वो आपको यहाँ पे प्राइस मिल जाएगा। बाकी लुक एंड फील जो बैग का है, अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो तो शॉप पे आके आपको दिख जाएगा। खुद उसको हाथ में रख के बंदे को ज्यादा फील पता, ज्यादा फील आता है। बाकी हाँ ये है कि हम आपको एक थोड़ा सा लुक दे रहे हैं बैग का, कि अगर जब फीमेल्स और आप ये सब बैग पहनोगे तो आपका जैसे कॉम्बिनेशन है, भले आपकी छोटी हाइट है, लंबी हाइट है, बड़ी हाइट है, तो आपके ऊपर बैग ऐसे जचने वाला है। क्या होता है जैसे टेंट लगाते हैं ना, कई अंधेरा होता है, पता नहीं चलता टेंट्स लगे हुए हैं, तो ये टेंट्स के साथ हम चीजें गाड़ते हैं। अच्छा, टेंट के लिए तो वही एक स्टिक है। अच्छा, इसमें रेडियम लाइट्स भी होती हैं, इसमें बैटरी भी डलती है, ठीक है, तो ये और ब्राइट दिखता है। जैसे ये देखेंगे वीडियो में कि ये देखिए टेंट जैसे कैसे ब्राइट हो गया। अच्छा, जैसे ये टेंट्स की जो लाइट है, ये नया जो है नया इक्विपमेंट है चिराग भैया जो लेके आए हैं, तो इसको मतलब जो पिच करते हैं टेंट उसके साथ ही उसी के साथ पिच करते हैं, जिससे आपका टेंट पता चले कि आपका टेंट उस साइड लगा हुआ है। अच्छा, उस साइड लगा हुआ है, मतलब एक तरीके से में होता है बंदा वॉशरूम जा रहा है। सही बात है, फॉग हो रही है, पता नहीं चलता कि हमें राइट की तरफ जाना है, लेफ्ट की तरफ जाना है, हमें एक लाइट चमकती दिखती है, हमारा टेंट वहाँ है, किसी की तरफ। या कभी होता है कि आपके बहुत सारे टेंट लगे होते हैं, आप ऐसी जगह पे जाते हो जहाँ पे कम से कम 15-20 टेंट लगे हुए हैं, पर समझ में नहीं आता कभी करके आपका टेंट कहाँ पे है, भटक ना जाओ, तो उसके लिए ये भी बहुत यूजफुल एक्सेसरी चिराग भी। इसमें ये हमें पड़ता है 1200 की रेंज में आता है। अच्छा, 1200 की रेंज। हाँ जी हाँ जी, ये 2 का सेट होता है। अच्छा, तो ये मतलब चार्ज वगैरह कैसे होता है? चार्ज इसमें बैटरी डलती है। अच्छा, बैटरी डलती है, वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। सेल डलता है। अच्छा, सेल डलता है, और वो कम से कम एक साल डलेगा तो 2-3 महीने निकाल देता है। काफी चलेगा। तो गाइस ये इक्विपमेंट देखो, स्टेक लाइट के नाम से ये जो है आया है, तो ये हमारा विसल है। अच्छा। ये मल्टीपर्पज विसल है हमारी, ठीक है, इसमें रोप भी है इमरजेंसी, विसल भी है, कंपास भी है, और इसको खोल सकते हैं, तो इसके अंदर आप कुछ भी गुड्स रख सकते हो अपने, छोटे मोटे जैसे बैंडेज वगैरह हो गई, कुछ भी। अच्छा अच्छा, इमरजेंसी के प्रोडक्ट्स अपने कुछ भी रख सकते हो। अच्छा, तो एक तरीके से इमरजेंसी का टैक्टिकल टूल हो गया, जिसके अंदर मतलब आपको मिलेगा 5-in-1 सर्वाइवल विसल के नाम से आता है, आपको फायर स्टार्टर मिलेगा इसके अंदर, आपको सिग्नल विसल मिलेगी इसके अंदर, सिग्नल मिरर मिलेगा आपको इसके अंदर, कंपास मिलेगा। तो चिराग भैया ये कितने का पड़ जाएगा? ये 300 की रेंज, 300 का पड़ जाएगा। स्टे कूल फॉर आवर, ये एक टॉवल है। अच्छा, टॉवल जिसको है। हम गर्मियों में इसको गीला करके यूज कर सकते हैं, जैसे गर्दन पे बहुत गर्मी है और हमें ट्रैक भी करनी है, तो ये हमें उस जगह बिल्कुल ठंडा रखता है। अच्छा, हाँ जी। तो चिराग भैया जैसे मैं तो नॉर्मल टाल लेके जाऊंगा, और उस नॉर्मल टाल में इस टाल में क्या फर्क है? वो टॉवल आपको गीला कर देगा, आपको इरिटेशन होगी, आपको
मतलब पानी चिपचिपा सा, हाँ, हो जाएगा कपड़ों से हो जाएगा ये पानी एब्जॉर्ब करके और ठंडा रहता है। अच्छा, ये काफी लंबे टाइम तक गीला भी रहता है, ठंडा रखने के लिए आपको ये पर्पस ही इसका वही है, बनाए उसी हिसाब से। अच्छा, तो मतलब नॉर्मल टॉवल में साल में काफी फर्क है, बहुत फर्क है। अच्छा, तो ये गाइस कूलिंग टॉवल के नाम से ये प्रोडक्ट आया है भैया के पास, तो इसको मैं आपको खोल के भी दिखाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये अभी आप इसको देखोगे तो बिल्कुल हार्ड लगेगा, बहुत सॉलिड है ये देखो। इसको एक बार जब गीला होएगा ये, हाँ, तो ये सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा और आपको ठंडा रखेगा, कम से कम घंटों ठंडा रखता है। अच्छा, तो मतलब ये समर्स के लिए काफी यूजफुल चीज बताइए। चिराग भैया कितने का पड़ जाएगा ये? अपना है 950 का है। अच्छा, और इसको आप जैसे आप वर्कआउट भी करते हैं लोग, हाँ, 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 तो उसके साथ भी यूज करते हैं अपने आपको ठंडा रखने के लिए सर पे। बॉक्सिंग वाले होते हैं उनका यहाँ पे बहुत गर्म हो जाता है बॉक्सिंग करते हैं, तो वो सब कूल डाउन करने के लिए ऐसे। तो गाइस मतलब मल्टीपर्पज चीज है, आप स्पोर्ट्स खेलते हो या फिर आप ट्रैकिंग हाइकिंग करते हो, सुबह रनिंग वॉकिंग कुछ भी हो गया, समर में स्पेशली जब सन बहुत तेज रहता है, तो उसके लिए काफी सही प्रोडक्ट है गाइस। ये वार्मर्स हैं, ये फुट वार्मर है, इमरजेंसी फुट वार्मर है ये। ठीक है, इमरजेंसी फुट वार्मर। ये इसमें 5 पीसेस के सेट आते हैं हमारे पास। ठीक है, और ये अपना आपके फुट जो होता है, जैसे आप शूज पहन रखे हैं आपने, नीचे की तरफ से हमें बहुत ठंडा लगता है बर्फ में, तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए ये आपको बिल्कुल वार्म रखेगा सोल की तरफ से। सोल की तरफ से, ठीक है। तो मतलब इसके अंदर 5 हमें मिलेंगे। हाँ जी, हाँ जी, 5 का पैकेट आता है। वैसे तो आपको सिंगल पीस दिखा रहा हूँ। अच्छा, सिंगल पीस दिखा, सिंगल पीस ले तो 250 का भी आपको सिंगल पीस दे देते हैं। ठीक है, ठीक है। तो गाइस ये फुट वार्मर के नाम से आपको मिल रहा है, कितने का पड़ जाएगा चिराग? ये 250 का सिंगल पीस पड़ता है। अगर आप 5 पीसेस लेते हो तो हम 900 का पड़ता है। अच्छा, 5 पीसेस 900 का पड़ जाएगा। तो मतलब आपको ठंड से बचा देगा ये। हाँ जी बिल्कुल, जैसे बर्फ बर्फ पड़ रही हो, तकड़ी बर्फ पड़ रही हो, तब भी ये मतलब ऐसी चीज है जिससे ना हवा क्रॉस हो सकती है ना पानी क्रॉस हो सकता है। और जो जैसे किसी को होता है कि मतलब वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, ये लैब टेस्टेड होते हैं सब। अच्छा, लैब टेस्टेड होते हैं। हाँ जी। तो गाइस ये भी देखो फुट वार्मर के नाम से आपको मिल जाएगा चिराग भैया की शॉप पे। स्टैंडर्ड आर्मी स्टोर नाम है शॉप का। तो जो नेक्स्ट आप दिखा रहे थे चिराग भैया, ये इसी में ही ये वार्मर आ गए। ये ब्लैंकेट टाइप का वार्मर है। अच्छा, जैसे आप कहीं आप बर्फ में हो, कहीं फंस गए हो और आपको आगे बहुत ट्रैवल करना है और बीच में रुक गए हो, ठीक है, ठीक है, तो आप इसको ओढ़ के भी पूरी रात भी बैठ जाओगे तो आप वार्म रहोगे। अच्छा, बॉडी वार्मर के नाम से आता है। तो गाइस ये चिराग भैया कितने का पड़ जाएगा बॉडी वार्मर? ये बॉडी वार्मर का इस पे सब पे प्राइजेस हमने लिखे हुए हैं, 550 का है ये। अच्छा, 550 का है। इसके अंदर एक पीस मिलेगा? ये सिंगल पीस का है। अच्छा, और ये यूज एंड थ्रो होते हैं वैसे, और इसको आप जैसे आप 3-4 दिन यूज कर सकते हो, या फिर आप कहीं जा रहे हो तो जैसे एक हफ्ते की ट्रिप है आपकी, तो एक हफ्ते तक आप इसको यूज कर सकते हो, उसके बाद फेंक दो। तो इको फ्रेंडली है? इको फ्रेंडली। अच्छा, इको का, क्योंकि काफी लोगों का क्वेरी भी रहता है अगर यूज एंड थ्रो है तो हमारे एनवायरनमेंट को जो है वो हार्म ना पहुंचाए, तो ये इको फ्रेंडली है गाइस। तो कमेंट में भाई ये मत कमेंट करना कि यूज एंड थ्रो कर दिया आपने तो आपने हमारे एनवायरनमेंट को जो है पॉल्यूट कर रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है गाइस। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि अभी जो जिस तरह से दिल्ली में सर्दियां बढ़ती चिराग हुई है, मेरे को तो लगता है कि मुझे ये जरूरत पड़ जाएगी, तो मैं आपसे लेके जाऊंगा। ठीक है, ठीक है। तो अगर आप में को भी किसी को अगर विंटर है जो बियरेबल नहीं हो रही है दिल्ली की, भैया आपको पता है दिल्ली की सर्दी कैसी चल रही है, तो उसके लिए आप ये लेके जाओ यहाँ से, प्रोडक्ट को यूज़ करो, ट्राई करो, ज़्यादा महंगी चीज़ नहीं है, आपको अच्छी लगेगी तो आप 10 लोगों को आगे रिकमेंड भी करोगे। ठीक है, और अगर सीनियर सिटीजन आपके साथ रहते हैं, काफ़ी बूढ़े लोग वगैरह रहते हैं, तो उनको इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, क्योंकि हमें जब तक पता नहीं रहेगा चीज़ों का तो हमें समझ में भी नहीं आएगा कि भैया मार्केट में ऐसी चीज़ आती भी है नहीं आती है। तो मेरे हिसाब से तो मैं ये लेके जाऊंगा और जरूर अपने ग्रैंड पेरेंट्स को तो जरूर देने वाला हूँ मैं ये जो है वार्मर है। हमारी सारी टॉर्चेज है, वैरायटी हमारे पास 250 रुपये से स्टार्ट होके, ठीक है, हमारी जाती है 5000 तक। अच्छा, 250 रुपये से गाइस स्टार्ट होती है और 5000 तक है जो भैया के पास रेंज रहती है। तो और इसके अलावा भी मेरे पास कम से कम 20-30 और वैरायटी है, वीडियो लंबी ना हो जाए। सही बात है, इस चक्कर में मैं थोड़ी सी वैरायटी दिखाता हूँ। 250 रुपये की टॉर्च है ये। अच्छा। इसमें जूम एडजस्टमेंट भी है, ठीक है, इसमें इंडिकेशन देने के लिए ब्लिंकिंग भी है, और ये अपना लैम्प हो गया लटकाने के लिए। देखो 250 रुपये की टॉर्च की भी क्वालिटी देखो आप, कितनी पावरफुल क्वालिटी है। ये आ गई हमारी 750 वाली टॉर्च। ठीक है भैया, ये अब आप इसकी लाइट देखना, ये देखिए जी इसमें जूम एडजस्टमेंट नहीं है, इसमें डार्क लाइट और इंडिकेशन है। ठीक है, ये अब हमारी आ गई 1500 वाली, इसमें जूम एडजस्टमेंट है, आप इसका देखिए क्लैरिटी देखिए और इसकी ब्राइटनेस देखिए।
अब आती है हमारी 4000 वाली, ठीक है, इसकी देखिए आप ऊपर, ठीक है, मतलब 4000 की लाइट की रोशनी जो गाइस आप देख सकते होगे, तो 4000 की लाइट की रोशनी आप देख लो। ऐसा नहीं कि हम आपको खाली जो है प्राइस कोट कर रहे हैं, प्राइस के साथ साथ क्वालिटी भी दे रहे हैं और उसकी पावर भी दे रहे हैं। और उसके बाद आप ये देखिए 4500 की है, ठीक है, इसकी लाइट देखिए आप, रात को भी दिन कर देती है। तो गाइस आप जो 4500 की रोशनी है आप रोशनी भी देखो, काफ़ी पावर है लाइट के अंदर, फंक्शंस फीचर वगैरह आपको सब मिलेंगे, फ्लैशर मिलेगा, जूम इन जूम आउट भी इसके अंदर भी, इसमें नहीं आता जूम इन जूम आउट क्योंकि ये होती है बड़ी टॉर्च होती है, ठीक है, लंबे डिस्टेंस, तो ये हीट के लिए भी बहुत बहुत हीट, आप इसको 2 मिनट हाथ के आगे रखोगे फील कर सकते हो। अच्छा, तो मतलब ये गर्म भी करेगी आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारी 5000 की टॉर्च, ये देख लीजिए। तो गाइस काफी मतलब फर्क है 5000 की टॉर्च के अंदर। तो पावर देखो गाइस, 5000 की टॉर्च का पावर देखो, तो मतलब मजा आ गया टॉर्च देख के। और जो इसका लाइट है आप सामने देखोगे तो सामने जितने भी बैग वगैरह की रोशनी आप क्लियरली देख सकते हो। इसके अंदर आपको और भी मोड्स मिल जाएंगे, ये फ्लैशर मिल जाएगा इसके अंदर, तो बहुत सही टॉर्च है। अगर आप में से किसी को भी लेनी है, क्वालिटी का प्रोडक्ट लेना है, तो आपको ये मिल जाएगा 5000 की टॉर्च आपको मिल जाएगी। जैसे 250 से हमने स्टार्ट किया और हम कितने 5000 तक के हम टॉर्च पे गए हैं, तो इसके अंदर मतलब जो सेल वगैरह होता है चार्ज हो जाता है? सब चार्जेबल है, A to Z सबकी चार्जिंग की केबल, अडॉप्टर सब साथ। अच्छा, तो गाइस मतलब इसके अंदर जो अडैप्टर वगैरह है ये साथ में आती है, USB जो है आपका केबल आता है इसके साथ, तो मतलब जो सेल हमने इसके अंदर डाले हुए हैं है ना, वो सेल चार्ज हो जाता है, सीधा चार्ज होता है। ये देखिए ये बैटरी सीधा चार्ज, ये टॉर्च के अंदर यहाँ से, अच्छा ये लग जाएगा और अडैप्टर सॉकेट में चला जाएगा हमारा। तो इसके अंदर जो सेल्स हमने डाले हुए हैं वो आपको बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, इसमें सी टाइप वाली केबल लगती है, ठीक है। तो आपको इसके अंदर जो है अडैप्टर मिलेगा, सी टाइप की केबल मिलेगी हर मॉडल के साथ, उसमें जो है आपका बार बार सेल निकालने की जो है ताम झाम जो रहता है वो जरूरत नहीं है, सीधा आप इसको अपने सॉकेट में डालो और आपकी टॉर्च जो है चार्ज हो जाएगी। ये वो है अपनी वॉच है, ठीक है, इसमें 3 मीटर्स की इमरजेंसी रोप है, ठीक है, इसमें टेम्परेचर रीडर है, ठीक है, इसमें कंपास है, इसमें विसल है, इसमें फायर स्टार्टर है, फायर स्टार्टर में आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये ऐसे फायर स्टार्टर है, ये इससे फायर स्टार्ट हो जाती है हमारी, ठीक है। तो चिराग ये कितने की पड़ जाएगी? ये हमें आपको पड़ जाएगी 700 रुपीज़ की। तो इसकी भी कोई गारंटी वगैरह रहती है? इसमें कोई गारंटी की चीज़ ही नहीं है। अच्छा, मतलब पानी में कुछ पानी में वाटर प्रूफ है, सब कुछ है इसमें। अच्छा, तो मतलब इसके अंदर कॉर्ड बन जाएगी, सब कुछ बन जाएगी। तो गाइस मैं आपको पहन के दिखाता हूँ, वैसे अगर पहनने में अगर किसी को पहननी है तो घड़ी लगती कैसे है? तो गाइस ये देखो पहनने में ऐसी लगती है एकदम जैसे हम लोग शोज वगैरह में देखते हैं, टीवी शोज वगैरह में ग्लोइंग स्टिक होती है ना, जो हमने शायद पिछली वीडियो में दिखाई थी, ये उसी तरीके की है। इसको हम ऐसे बेंड करते हैं, अच्छा ऐसे, ठीक है। अच्छा, हमने इसको बेंड कर दिया, इसको एक्टिवेट करने के लिए। हाँ जी, हाँ जी, ठीक। और आप इसको नोटिस करो, एक्टिवेट हो गई गाइस, ये एक्टिवेट हो रखी है, सही बात है, ये देखिए जी। तो गाइस ये देखो ग्लो स्टिक जो है एक्टिवेट हो चुकी है, ये ऐसे ग्लो होती है, ये ऐसे आपकी टेंट में जो है लग जाएगी। और टेंट में भी, और ये क्या होता है अंडर वाटर जो स्कूबा डाइविंग वगैरह होती है उसमें भी ये सब यूज होती है। सो गाइस ये आपको हमने ग्लो स्टिक भी दिखा दी है कैसी एक्टिवेट होने के बाद कैसे लगती है। तो 150 का पड़ जाएगा चिराग भैया। हाँ जी। और पेयर कितने का पड़ जाएगा? पेयर पड़ेगा अपना 299, वही 300 का आपको पेयर मिल जाएगा। तो चिराग भैया मतलब मेरे को तो पता है चिराग भैया क्वालिटी बहुत सारी है, तो हमने आपको एक ही क्वालिटी दिखाई है। इसके ऊपर रेंज की भी है, इससे नीचे रेंज की, इससे नीचे रेंज की नाइफ है हमारे पास, ये जैसे 1300 की रेंज में है, ठीक है। इसमें लॉक अनलॉक सारे सिस्टम होते हैं, ब्लेड सर्जिकल ब्लेड होता है ना, उसके बराबर के शार्प्ड होते हैं पहले से। अच्छा, हाँ जी, इनमें हमारे पास वारंटी होती है लाइफ टाइम, ठीक है, लाइफ टाइम वारंटी, वारंटी है लाइफ टाइम की, इस पर जंग नहीं लगेगा, जंग नहीं लगेगा, रस्ट नहीं आया कुछ भी। तो चिराग भैया ये स्टार्ट कितने प्राइस से हो जाते हैं? ये 300 से स्टार्ट होता है। अच्छा, 300 से स्टार्ट हो जाता है आपके टैक्टिकल नाइफ्स। हाँ जी, अब जैसे ये आ गया एक नाइफ, ये 300 का है। अच्छा, 300 का ये टैक्टिकल नाइफ आप देख सकते हो, ब्लैक कलर के अंदर कितना प्रीमियम लग रहा है। गिफ्टिंग पर्पस के हिसाब से भी है और ये मल्टीपर्पस है, ये इसमें टॉर्च आती है आपकी, टॉर्च आती है, वायर कटर आता है, आपका डॉग टैग आता है, ठीक है, सब कुछ आ जाता है। तो ये कितने का पड़ जाएगा जो आपने दिखाया चिराग भैया? ये अराउंड 4000 का। अच्छा, 4000 का। हाँ जी। तो मतलब क्वालिटी में तो मेरे को कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं लगा, क्वालिटी आप A to Z हर चीज चेक करके लेके जाइए। बिल्कुल। तो गाइस मतलब काफ़ी फैंसी जो है चिराग भैया ने फैंसी जो नाइफ्स वगैरह रहते हैं टैक्टिकल नाइफ्स वगैरह, अगर आपको किसी को गिफ्ट वगैरह करना है तो वो भी उन्होंने अवेलेबल करके रखे हुए हैं। काफ़ी वैरायटी है, सिर्फ हमने आपको जो है वीडियो में दिखाने के लिए
थोड़े से नाइफ जो है हमने आपको दिखाया अलग अलग प्राइस रेंज के, बाकी कम से कम 1000 से ऊपर आपके पास नाइफ होंगे। 1000 से भी बहुत फालतू, और उसको ऐसे मतलब डिस्प्ले में जो है लगा नहीं सकते, वरना भैया का जो गोडाउन है वो नाइफ से भरा हुआ है। इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट है, सिंगल बेड है ये, इसमें हम वाटरप्रूफ होता है ये, इसमें वारंटी हम देते हैं, 1 साल की भी है, 2 साल वाली भी है। ये एक जो सिंगल बेड है, सिंगल बेड है 1 ईयर की वारंटी वाला, वो हमारा 2000 की रेंज में आता है, और इसी में जो 2 ईयर्स की वारंटी वाला है वो 3000 का है, और डबल बेड में 3000 का 1 ईयर वाला है और 4000 का 2 ईयर्स वाला है। तो सही गर्मी देगा, इतना गर्म हो जाएगा आपको बंद करना पड़ेगा कि बंद कर दो। ये क्या चीज लेके आया चिराग भैया? ये एक जैसे एक पेड़ से नहीं एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे इसको बांध दो। अच्छा, तो इस पे बढ़िया आराम से लेट के जैसे वो सलमान खान वाली मूवी थी। तो गाइस मतलब भाई जान के जो सलमान भाई के शौकीन हैं, तो जिनको मजे करने हैं, बेसिकली एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए हो गया ये फार्म हाउस, हो गए अपने घर में, हो गए सोसाइटीज, हो गई कहीं पर भी लगा के अपना बंदा रिलैक्स करके लेट सकता है, न्यूज़पेपर पढ़ सकता है अपना आराम से। तो ये वेट कैरी कर लेगा मतलब? बिल्कुल, अराउंड 150 केजीज ये कैरी कर, 150 कैरी कर लेगा, तो मतलब ये टूटने नहीं वाला। ये इसके अंदर काफी स्ट्रेंथ है, आप मतलब हल्के में मत लेना इस चीज को, कि अगर आपको एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए लेके जाना है ये तो आप ले सकते हो। चिराग, इसका प्राइस क्या होगा? ये 1000 रुपीज का। ये देखिए जैकेट सारी। अच्छा, ये सारा आर्मी प्रिंट में, आर्मी प्रिंट में है ये सब, और ये अंदर पूरे में फ्लीस है, ऊपर विंड प्रूफ वाटर प्रूफ क्लोथ। अच्छा, तो मतलब ये वाटर प्रूफ भी रहता है, विंड प्रूफ भी रहता है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। क्वालिटी तो चिराग भैया छू के बता रही है। गाइस अगर आपको अभी भी अगर समझ में नहीं आ रहा क्वालिटी का, तो जैसे मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप शॉप पे आओ, जैकेट पहनो, ट्राई करो, जैसे भी आपको लग रहा है मटेरियल में कुछ भी ऊपर नीचे अगर आपको लग रहा है, तो यहाँ पे आके लुक एंड फील जो है उसका आराम से आके चेक करो, साइज आपको सब कुछ मिल जाएगा, एम से लेकर कितना डबल एक्सल तक, डबल एक्सल तक मिल जाएगा। तो चिराग भाई ये मतलब सिविलियंस के भी होती है? ये सिविलियंस के लिए ये वाला नहीं है, ये पहन सकते हैं सिविलियंस। अच्छा अच्छा अच्छा, ये ग्रीन ओजी कलर होते हैं, ऑलिव ग्रीन। अच्छा, ऑलिव ग्रीन कलर। हाँ जी जी, ये पहन सकते हैं, ये पहन सकते हैं। अच्छा, ये पहन सकते हैं, ये वाला ग्रीन है, एक ये डिजाइन है। अच्छा अच्छा, तो मतलब ये देखिए ये कलर है एक। अच्छा अच्छा, तो मतलब ये सिविलियंस के लिए हम लोग जो है, जो नॉर्मल जो मेरा विजिटर होगा, कोई भी व्यूअर होगा, तो आप लोग ये वाला कलर ले सकते हो, जो कैमोफ्लेज वाला होता है वो हम शायद नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, थोड़ा सा हमें भी स्ट्रिक्टनेस है इस चीज के। अच्छा अच्छा, इसलिए हम लोग ये चीज, ये कलर नहीं, ओजी कलर आप लीजिए। अच्छा, बहुत अच्छी, आप बहुत वार्म फील करोगे, बहुत कंफर्टेबल चीज। तो मेरे ख्याल से सिर्फ ये सेम ही है, सेम चीज है, बस कलर डिफरेंस, कलर डिफरेंस है, क्योंकि कुछ पॉलिसीज होती है जो अबाइड बाय करना पड़ता है जिनको, तो उसी वजह से जो है कैमोफ्लेज हम आपको नहीं दे सकते, सिर्फ आर्मी पर्सनल्स के लिए ही होता है। हाँ जी, आईडी दिखाओ अपनी, आप ले लो कोई भी चीज आप ले सकते, ठीक है, पर वो सिर्फ आर्मी पर्सनल्स है, जो सीडीएस में है, आर्मी पर्सनल्स है, तो उन लोग के लिए सिर्फ ये प्रिंट रहेगा। बाकी जो भी आप कोई व्यूअर है जो जैकेट लेना चाहता है सेम मटेरियल सेम क्वालिटी, उनके लिए आपको ये प्रिंट मिल जाएगा। इसके अंदर आपको ये कैमो, ये वाला कलर है आपके अंदर, बहुत बहुत तरीके के कलर आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। इस तरह भी इसका क्या प्राइस होने वाला? ये 3000 की रेंज में है, 3000 कुछ ना कुछ आपके आपके नाम से कोई आएगा उसका रिगार्ड जरूर। तो गाइस चिराग भैया ने देखो आपके लिए इतना बढ़िया कर दिया है, ब्लॉग विद शुभम जैन के नाम से कोई भी अगर बोल देगा कि भैया के फिलाना वीडियो देख के आए थे और उस वीडियो में हमें ये जैकेट पसंद आई है, तो आपको चिराग भैया बिल्कुल रिगार्ड करने वाले हैं, तो आपको बहुत बढ़िया प्राइस आपको इस जैकेट का मिलने वाला है, 101%। अरे आपको नहीं दे तो मेरे को फोन कर देना, ठीक है, मैं आपको डिस्काउंट दिलवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं इसके लिए, पर आपको जैकेट में एकदम प्रीमियम क्वालिटी मिलने वाली है। देखो सारे अपने यूनिसेक्स है, ये सब में सबने पहना हुआ है, ये लॉन्ग कोट है, ये भी लॉन्ग कोट है, ये बर्बरी वाली जैकेट है, ये नॉर्थ फेस वाली, इसमें दो कलर्स हैं, नॉर्थ फेस की एक ये वाली जैकेट है। अब देखो इसके अलावा भी हमारे पास हर टाइम पे ना वैरायटीज चेंज होती रहती है, हर 3 महीने में, जैसे अभी ये मॉडल्स आए हुए हैं, अगले 3 महीने बाद कोई नॉर्थ फेस के दूसरे मॉडल्स भी आ जाएंगे, उसके हिसाब से हम चलते हैं। भाई ये देखो, ये 2500 की रेंज में है जैकेट, ये -10 के डिग्रीज के अंदर सारी कवर करती है, -10 डिग्रीज ही हमारे पास ट्रैक सूट्स हैं, तीन अलग अलग कलर्स हैं इसके, और एक काफ़ी अच्छे इनका आउटपुट आ रहा है, लोग काफ़ी इनको खुश हो रहे हैं लेके। ये भी ट्रैक सूट्स में आ गए हमारे, ये सॉक्सेज हैं सारी अलग अलग, ये देखिए शुभम भाई, ये देखो हमारे पास कम से कम 50 तरीके इसके अलग अलग स्लीपिंग बैग हैं, 900 से स्टार्टिंग होके 5000 तक के हैं, -40 डिग्रीज का भी है हमारे पास स्लीपिंग बैग। शुभम भाई मैं आपको बता रहा था कि मैंने सीनियर सिटीजन के लिए भी कुछ ना कुछ रखा हुआ है, ये देखिए जी, ये सारी प्योर वुल की सॉक्स हैं, हमारे पास नी कैप्स भी आते हैं प्योर वुल के, यहाँ यहाँ तक पूरे कवर करता है वो, इनर जो है हमारे पास काफ़ी अच्छे क्वालिटी के, जिसको एक बार पहन लिया किसी सीनियर सिटीजन ने तो दूसरी कोई चीज़ वो पहनने वाला नहीं है। अच्छा भैया, इसका वुलन सॉक्स का प्राइस क्या होगा? ये 250 की है प्योर वुल की, अगर जो इसमें मिक्सिंग वाली आती है
वो 100 रुपीज की भी है हमारे पास। और पर लेकिन ये अगर जो प्योर वुल की है, इस पर हर जगह लिखा हुआ है प्योर वुल, ये प्योर वुल की है। मैं आपको खोल के भी दिखाता हूँ, ये देखिए सुन भाई, ये सब प्योर वुल की है। ये 250 की रेंज में आती है। और ये हमारा वाटरप्रूफ सॉक्स भी होती हैं, जो आप कोई भी टेम्परेचर में चले जाओ, कहीं पर भी गीले हो जाओ, ये वाटरप्रूफ सॉक्स काम आती है। सब इजी ड्राई फैब्रिक है ये। आप अगर गीला होता है तो बहुत जल्दी सूखेगा। ये निक्कर भी बन जाती है, शॉर्ट्स भी बन जाती है। इसमें हमारे पास 3 कलर्स हैं अवेलेबल। ये अपना 2500 की रेंज में आता है। और इसी में हमारे पास प्योर मतलब 100% वाटरप्रूफ वाला लोअर भी है। इसमें अटैचमेंट्स आती हैं, ये जैसे अंदर लगी हुई है, इसको आप हटा दोगे तो आपको नीचे से ये चीज़ की कंफर्ट हट जाएगा, तो नॉर्मल बन जाएगा। ये भी हमारे पास 2 कलर्स में अवेलेबल है, ये भी 2500 की रेंज में आता है। ये सारे हमने आपके लिए ग्लव्स कलेक्शन, देखो आप ग्लव्स की हर टाइप के ग्लव्स मिलेंगे आपको, वाटरप्रूफ, टेक्टिकल, वार्म ग्लव्स, फ्लीस वाले ग्लव्स, ट्रैकिंग के लिए ग्लव्स होते हैं ना जो हाथ जलाते नहीं, अगर आप रोप करके आप नीचे उतरते हो तो ये सब कुछ आपका हाथ नहीं जलेगा। ये सारे ग्लव्स होते हैं हमारे पास। ये देखिए प्योर वुल के हैं, ये देखिए टैक्टिकल हो गए, ये फ्लीस के होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं, वार्म होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। टैक्टिकल ग्लव्स आ गए हमारे हाफ फुल, ये आते हैं तो इम्पोर्टेड वाले में आते हैं, 4000 की रेंज वाले भी हैं हमारे पास, ये 500 की रेंज वाले भी हैं हमारे पास। ये देखिए हमारा सारे वाटरप्रूफ है, ये -20 डिग्रीज भी कवर करता है। इस साइड भी हमारे पास छोटी सी कलेक्शन है ग्लव्स की, आप ये देखो, ये टी शर्ट्स हैं हमारे पास इतनी सारी। शोर भाई ये सारी टी शर्ट अलग अलग है, ब्लू हमारे पास ज़्यादातर कलर्स। शोर भाई जो ग्राहक मतलब ग्राहक मांगते हैं, कस्टमर्स मांगते हैं, वो है एक ग्रीन कलर होता है शुभम भाई, एक फुल और हाफ, इसमें एक ब्लैक कलर होता है हमारे पास। हम बेसिक रखते हैं टी शर्ट्स में, हम कुछ ज़्यादा वैरायटीज इसमें हमने रखी नहीं है। कॉम्बेट कलर की होती है हमारे पास, कॉम्बेट फिनिश में, टैक्टिकल टी शर्ट्स कहते हैं जिनको, ये टैक्टिकल वेस्ट के अंदर पहनी जाती है। हाँ जी मैं आपको एक दिखाता हूँ, ये देखिए, अब जैसे टैक्टिकल वेस्ट पहनी है और बहुत स्वेट आता है, टेक्टिकल वेस्ट बहुत भारी होती है, बहुत होती है, तो ये पीछे आप देखोगे ना शुभम भाई, ये सब ब्रीदेबल है, ये इतना है कि इसमें से आपको हवा क्रॉस होती हुई फील होगी, तो ये फुल ब्रीदेबल है। तो सिविलियन इसको ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। ये देखो, ये हम आप बहुत सारे पाउचेस बैग्स आपके लिए लेकर आए हैं, ये देखिए सब उसी फैब्रिक का है, सब स्ट्रॉन्ग फैब्रिक है, कहीं से भी कुछ भी खींच लो आप, तोड़ लो, कुछ कर लो आप इसके साथ, सब कुछ बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ है। ये देखो पीछे आपको हमने कुशन भी दे रखा है, जैसे आप यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे लगाते हैं तो एक कुशन भी आता है इसमें। ये अपना आता है 1400 की रेंज का है, और ये 2000 की रेंज का है। ये वाला पाउच आता है हमारा 800 की रेंज में आता है। और ये इसमें भी सेम फैब्रिक है सारे आपके, सब A to Z। ये वेस्ट पाउच है, ये भी वेस्ट पाउच है हमारा, इसमें भी हमारा, ये देखिए आप सब में कुशनिंग आती है पीछे हर जगह। और ये भी देखो आप वेस्ट पाउच है हमारा, सो ये 2-man टेंट है, इसमें आप देख सकते हो 2 बंदे बैठे हुए हैं, और इसमें एक साइड एक बंदा सोता है, एक साइड एक बंदा सोता है। इसमें देखो 4 साइड विंडोज़ हैं, 1, 2, 3, एंड यहाँ पे भी है एक विंडो, ये जो गेट भी इसको कह सकते हैं हम। इसके अंदर काफ़ी स्पेस होती है, फुल वाटरप्रूफ होता है, 100 की स्पीड पे इस पर हवा भी आ रही हो ना तो ये स्टेबल रहता है। और इसके अंदर काफ़ी अच्छी ये ऊपर की इसकी वो होती है लेयरिंग जिसको ये अच्छे से वाटरप्रूफ बनाता है। ये इतना सा हो गया स्टूल, इस पर भी 150 kg का बंदा आराम से आ सकता है। ये भी एक स्टूल है, इस पर भी 150 kg का आराम से बंदा आ सकता है। इसका एक पाउच आता है, उसमें चले जाता है। ये सब कस्टम ही डिज़ाइन करवा के बनवाते हैं, इसकी हमें क्वांटिटी चाहिए होती है लगभग 20 तो चाहिए ही चाहिए मिनिमम टू मिनिमम। ये देखिए आप डायरी देखिए, आप क्वालिटी देखो आप डायरी की, ये सब वुडन है, ये सब वुडन है, ये बहुत अच्छी डायरीज होती हैं, सब कस्टम हम अलग अलग कंपनीज सबके लिए बनाते हैं। जैसे ये जूट बैग्स हो गए, इस पर भी इंडियन ऑयल का भी हमारे पास ऑर्डर आया था, इंडियन ऑयल का काम है ये सारा। ये लैपटॉप बैग्स हैं, ये फाइल होल्डर्स हैं सारे डिफरेंट, आप अपने हिसाब से कस्टम अपने ब्रांड हो गया, आपकी कंपनी हो गई, या अगर आप खुद अपने नाम से छपवाना चाहते हैं या फिर कुछ भी गिफ्टिंग के लिए भी, पर लेकिन हमें क्वांटिटी 20 की चाहिए ही चाहिए। और ये थोड़ा सा हम मोमेंटो का काम है हमारा। देखो शुभम भाई, ये सारा वाइट मेटल का सामान है, ये ब्रास का, वाइट मेटल का, वुडन का, हर चीज़ का बनाते हैं। ये बैचेस देख रहे हैं, ये बैचेस जितने भी देख रहे हो आप,
ये सब हम कस्टम करके जैसा भी कस्टमर का चाहिए 100 रुपीज़ पर पीस पड़ता है वो इस टाइप के बैचेज हैं। रबड़ के होते हैं ये, बाइकर्स होते हैं, हर अपने ग्रुप के लिए बनवा सकते हैं। ऐसे 100 रुपीज़ पर पीस पड़ता है, क्वांटिटी चाहिए हमें 50 की मिनिमम। ये अलग अलग कैप्स हैं, अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं हमारे पास, हर टाइप की कैप्स आपको अगर बनवानी है अपनी 50 की क्वांटिटी होगी। ये सिविल कैप्स हैं हमारी थोड़ी, ये बंडाना मास्क ये सब है, ये हमारे जैसे अब सिविल कैप्स हो गई ना, अब इस पर कुछ भी आप अपना लोगो लगवा के हम इसको बनवा के जैसे आपको ग्रुपिंग में डालना है सब कुछ हर जगह ये बन जाता है। ये क्या है, रबड़ की होती है बेसिकली। अच्छा। जो AK-47 का जो प्रॉपर वेट है ना, अच्छा, A to Z सिंगल ग्राम भी, अच्छा, ये उतने ही वेट की है। ये क्या होती है, प्रैक्टिस गन होती है। अच्छा। कि जैसे आपको वेट लेके भागना है, पीटी करनी, पीटी होगी, फिजिकल एक्सरसाइज होती है, इसको लेके कैसे कैरी करना है, कैसे कहाँ पे क्या करना है, ये उस पर्पज के लिए आती है। अगर आपको कोई अपनी इंक्वायरी है कि जैसे मेरे को इस वाली गन का चाहिए, तो हर गन का अवेलेबल कर देते हैं हम। अच्छा। खुद बनाते हैं हम इन हाउस। तो मतलब ये चलती नहीं है, ये आपको लुक एंड फील देने के लिए, लुक एंड फील और प्रैक्टिस करने के लिए, प्रैक्टिस इसको हमें वेट कैसे कैरी करना है, कैसे भागना है। मतलब ओरिजिनल गन, ओरिजिनल राइफल का ये वेट होता है, सेम वेट सेम साइज सब कुछ सेम है, बस ये ओरिजिनल नहीं है। अच्छा, ये ओरिजिनल नहीं है। तो गाइस मतलब अगर मेरा कोई भाई है जो इन सब चीजों में जा रहा है और जाना चाहता है, ट्रेनिंग करना चाहता है, तो भैया ये सही में इतनी हैवी है, इसका MRP वगैरह किसी को खरीदनी हो तो? ये 6000 की रेंज की है। अच्छा, 6000 की रेंज की है। और ये कौन सा वर्जन है जो मेरे हाथ में? ये AK-47 का वर्जन। तो गाइस देख लो, AK-47 है तुम्हारे भाई के हाथ में, और AK-47 मेरे को नहीं लगता था इतनी भारी होती है। अभी बहुत, अभी जितनी भारी है उतना ही प्रेशर से पीछे रिकॉइल करती है शॉट लेते हैं। तो गाइस मतलब आप देख लो, मेरे सामने AK-47 वाली राइफल है। अगर किसी भी भाई को ट्रेनिंग चाहिए, अगर वो ट्रेनिंग करना चाहता है, इसके बाद अपने बैग में लटका के इसको भागना चाहता है फील्ड पर, ताकि उसको समझ में आए कि मतलब मान के चलो अगर ये दो राइफल मेरे बैग में है तो कितना वेट होगा चिराग भैया इसका? इसका लगभग होता है अराउंड 4 to 5 kg। अच्छा, 4 to 5 kg रहता है। तो मतलब ये दो राइफल का अगर आपको बैग में लेके भागना है तो मेरे ख्याल से ये टास्क है, और आपको भाई सही तैयार कर देगा ये आपकी पीटी के लिए, फिजिकल एक्सरसाइज के लिए। तो दोनों राइफल जैसे ग्लॉक 17 का भी है, ऐसे ही हमारे पास नाइफ्स का भी आता है सब कुछ। अच्छा अच्छा, तो ये पिस्टल हो गई, ये कितने की पड़ जाएगी? ये हमारी 2500 की पड़ जाएगी। तो ओरिजिनल पिस्टल का वेट भी सब सेम सेम ग्लॉक 17 का। मतलब अगर किसी को निकाल के अगर एक्शन भी करना है तो वो मतलब वो कर सकते हैं, जैसे लुक एंड फील आप लेने के लिए आपके प्रैक्टिस। और ये जैसे अब शूट होते हैं लोगों के डिफरेंट तरीके के, अपने अपने उस शूट में भी यूज करते हैं लोग, मूवीज में भी ये यूज होती है, काफी मूवीज के लिए हम दे चुके हैं। आप सप्लाई करते हैं? डिस्क्लोज नहीं कर सकता, सही बात। अभी शूटिंग इन प्रोसेस चल रहा है, चल रहा है। तो वहाँ पे भी गाइस असली गन नहीं, मतलब अगर जो देखने वाली होती है जो पड़ी रहती है, तो ये वाली जो राइफल्स होती है प्रैक्टिस गन्स इनको बोलते हैं, इसमें से कोई रबड़ नहीं निकलेगी, कोई छर्रा नहीं निकलेगा, सिर्फ ये आपके प्रैक्टिस के लिए कि ये ओरिजिनल वेट है। हाँ जी, हाँ जी, देखो आप आगे से भी क्लोज है, क्लोज जाइए सब, ये कुछ भी नहीं होगा इसको, बस ये रबड़ की है, रबड़। ये देखो शुभम भाई, ये हमने राइफल बैग होता है। अच्छा, जो हमने दिखाई थी अभी, इसका ये बैग है, बैग है। अच्छा अच्छा, ये इसको कैरी करने के लिए है, ये बिल्कुल फिक्स हो जाता है, टाइट हो जाता है, यहाँ से एकदम टाइट हो। हाँ जी, हाँ जी, ये उसके अंदर आ जाता है, इसके अंदर बाकी इसका सामान, इसमें कुशनिंग, प्रॉपर कुशनिंग होती है, ये देखो। अच्छा, प्रॉपर कुशनिंग है हर जगह। सही बात है, सही, मतलब प्रॉब्लम तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, और हर जगह से आप इसको टाइट कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, तो क्लिपिंग्स हैं। हाँ जी, हर जगह, जैसे ये हो गया, आपने जिप बंद करी और इसको टाइट कर लिया अपना, हर जगह से काफी, मतलब इसको हम वेपन बैग बोलते हैं, वेपन बैग, पीछे से कैरी करने के लिए, कैरी करने के। सो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्यों चिराग भैया? बिल्कुल। तो गाइस काफी मेहनत करते हैं, मैंने चिराग भैया को फिर से डिस्टर्ब किया, नहीं कोई, काफी मेहनत कराई चिराग भैया से, चिराग भैया के स्टाफ से, तो मैं सबको थैंक यू कहना चाहता हूँ, चिराग भैया को, चिराग भैया के स्टाफ को, जिन्होंने इस वीडियो में हमारी इतनी हेल्प की है। और आई होप, वी होप कि हम लोगों ने आपकी जो डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, वो सॉल्व की हो, आपको नए नए प्रोडक्ट जो मार्केट में आते हैं वो हमने आपको दिखाए हो। अगर कुछ पॉइंट्स रह भी जाते हैं तो आप खुद आओ और हमसे खुद डिस्कस करो, हम उसकी हेल्प करेंगे। बिल्कुल। तो चिराग भैया का मोबाइल नंबर, शॉप का एड्रेस, लोकेशन वगैरह मैं सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और अगर आपको फिर भी, जैसे मैं ये बात हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम अपनी क्वालिटी पे बिलीव करते हैं, जो चिराग भैया जो 60-60 ईयर्स प्लस ये शॉप को हो चुके हैं, तो कोई ना कोई ब्रांड है स्टोर का, कोई ना कोई क्वालिटी हम आपको दे रहे हैं। और मोर देन कितने कस्टमर्स आपसे डेली बेसिस पे इंटरेक्ट करते होंगे चिराग भैया? मिनिमम 500 तो है ही, मिनिमम 500 जो कुछ ऑनलाइन, और बाकी जो खुद से शॉप पे आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, वो वीडियोस तो है, देख के आते हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो काफी जो कस्टमर्स हैं सामान लेके जाते हैं, और जीरो कंप्लेंट, कोई कंप्लेंट नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं है। तो आप इस चीज में बिल्कुल भी डाउट मत रखना कि आप सामान के पैसे दे रहे हो तो वो वर्थ नहीं होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाकी चिराग भैया के साथ हमारा एक और वीडियो का प्लान है, और गाइस मैं आपको बता दूं, वो वीडियो बहुत तहलका मचाने वाले यूट्यूब में,
क्योंकि आज तक चिराग भैया वो वीडियो किसी ने नहीं बनाई, किसी ने नहीं बनाई, ठीक है। तो वो वीडियो के लिए भी आप स्टे ट्यून्ड रहना चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर किसी भी भाई ने जो ये वीडियो देख रहा है, वीडियो नहीं देखी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को कुछ भी आपको अच्छा लगे, हमारी मेहनत पसंद आए, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने प्यारे प्यारे कमेंट करना, भले वो डाउट से रिलेटेड हो या वीडियो से रिलेटेड हो। आपके कमेंट हमारे सराखों पे रहेंगे हमेशा, और आप हमेशा हमको ऐसे अप्रिशिएट करते रहो, प्यार देते रहो, ताकि हम आपके लिए ऐसी मस्त मस्त वीडियो जो है अपने भाइयों के लिए, अपनी फैमिली के लिए लेके आते रहे। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आपको मिलेंगे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर। One.